तो हेलो गाइस यार, कैसे हो आप सभी लोग। हम लोग आ चुके हैं माइनक्राफ्ट का एक न्यू सीरीज लेकर, जिसका नाम है माइनक्राफ्ट बट वर्ल्ड इन ए जार। ठीक है, जैसा कि आप लोग देख सकते हो कि मेरे वर्ल्ड के आसपास पूरा शीशा लगा हुआ है। तो ये एक बड़ा सा जार है, ठीक है, जिसके अंदर मेरा ये वर्ल्ड बंद है। और चाहे जो भी स्ट्रक्चर हो, वो विलेज हो या डेजर्ट टेम्पल हो, वो सब एक जार के अंदर बंद रहने वाला है। तो काफ़ी मज़ा आने वाला है। और मैं बाकी भी दिखा देता हूँ, देख सकते हो कितना गहरा, कितना डीप तक है नीचे तक है। और ऊपर इसका ढक्कन भी लगा हुआ देख सकते हो आप लोग, ठीक है। और मेरे पीछे भी देख सकते हो कि दूसरे जार हैं जिसके अंदर एनिमल्स है, तो फूड का जुगाड़ हमारा वहाँ से हो जाएगा। तो चलो यार, इसको खेलते हैं, काफ़ी मज़ा आने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस चेस्ट में देखते हैं क्या रखा हुआ है। इसके अंदर तो कुछ बुक हैं, इसको पढ़ते हैं क्या है। ओके, ये इसी के बारे में बता रहे हैं, इस मैप के बारे में, ठीक है। और ये कौन सा लैंग्वेज का बुक है भाई। चलो इसको रख देते हैं हम लोग। और सबसे पहले काम है हमारा वुड तोड़ना, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से वुड तोड़ लेते हैं जल्दी जल्दी। ठीक है, तो मैं जल्दी जल्दी यहाँ पर कुछ वुड को तोड़ लेता हूँ। ओके, तो इतना वुड काफ़ी रहेगा। और भाई लैग क्यों देखने को मिल रहा है। तो चलो हम लोग यहाँ से जल्दी से इसका प्लैंक बनाते हैं और इसका एक पिकेक्स बना लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहले ये बन गए प्लैंक्स, और इसका हम लोग स्टिक बनाएंगे और बना लेंगे पिकेक्स। अब इस पिकेक्स से हम लोग चलते हैं कॉबल स्टोन माइन करने, और उससे हम लोग सीधे स्टोन के टूल्स बना लेंगे। और बगल में कोल भी देख सकते हो आप लोग, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसका टूल बना लेते हैं कॉबल स्टोन का, ठीक है। तो चलो इतना काफ़ी रहेगा। ओके, तो यहाँ से सबसे पहले हम लोग बनाते हैं एक सॉर्ड, क्योंकि भाई नीचे से काफ़ी स्पाइडर का आवाज़ आ रहा है, लगता है नीचे स्पाइडर का स्पॉनर है, ठीक है। तो चलो चलते हैं, देखते हैं वो भी हमें मिलता है कि नहीं। सबसे पहले हम लोग यहाँ से कॉबल स्टोन को माइन करते हैं और कोल को भी। ओ भाई साहब, यहाँ पर आयरन मिल चुका है हम लोगों को। ओके, तो मुझे जो जो आयरन मिला है, मैं उसे स्मेल्ट होने के लिए लगा देता हूँ फर्नेस में। तो सबसे पहले इसका हम लोग फर्नेस बनाते हैं कॉबल स्टोन का। ये रहा फर्नेस, और ये बन चुका है, तो इसे हम लोग रख देते हैं यहाँ पर। घास हट जा भाई, ठीक है। इतिहास पे हम लोग 8 आयरन मिला हुआ है, इसे लगा देते हैं। आयरन के टूल्स बना लेंगे हम लोग, और कुछ कोल निकाल कर हम लोग उसका टॉर्च बना लेते हैं। भाई नीचे अंधेरा होगा, तो चलो हम लोग वापस चलते हैं माइनिंग पे। ओके, तो हमें यहाँ पर भी आयरन मिल चुका है, टॉर्च लगा देते हैं और आयरन को माइन कर लेते हैं। तो हमें काफी सारा आयरन मिल चुका है। और ओ भाई साहब, ये तो हम भाई पूरा डीप आ चुके हैं नीचे तक, नीचे का शीशा दिखने लग रहा है। हमें भाई थोड़ा ऊपर जाना चाहिए, ठीक है। काफ़ी नीचे आ चुके हैं भाई, गलती से वो टूटा तो सीधे नीचे, ठीक है। तो यहाँ का हम लोग कोल माइन करते हैं। और मेरा पिकेक्स टूट चुका है, तो जल्दी से जो आयरन हमने लगाया था स्मेल्ट होने के लिए, उसका हम लोग टूल्स बना लेते हैं। ओके, ये स्मेल्ट हो चुका है और इसको लगा देते हैं हम लोग। तो चलो जल्दी से मैं अपना सारा टूल बना लेता हूँ। ओके, तो मेरा पूरा टूल बन चुका है, और एक हथियार है जो सबसे ज़रूरी है, हथियार नहीं है वो शील्ड है, उसके लिए मुझे वुड चाहिए। ठीक है, तो ओ भाई साहब, मेरे पास वुड पड़ा हुआ था, इसके लिए आयरन की ज़रूरत है, तो आयरन हम लोग यहाँ से ले लेते हैं, ठीक है।
और ये रहा शील्ड, ये भाई बिना आर्मर के भी काफ़ी अच्छा रहता है, मतलब अगर आप लोगों के पास आर्मर नहीं है तो आप लोग इससे काम चला सकते हो, ठीक है, ये सबसे ज़रूरी रहता है। तो 5 आयरन है मेरे पास, तो मैं इसका बूट्स बना लेता हूँ और इसे पहन लेता हूँ, ठीक है। चलो गाइस यार, आज की इस वाले वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर देना, और आप लोग कमेंट में बताना कि मुझे इसका वीडियो डालना चाहिए कि नहीं। और नेक्स्ट वाले एपिसोड में हम लोग जाएंगे दूसरे जार में, और उसमें जाकर देखेंगे क्या है, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय।